Assalamualaikum, hello everyone, this is Farhanur. I hope you all are doing well. So friends, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं और उसमें चैप्टर नंबर 3 एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया चल रहा है और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में बताया था जो कि सेकंड गवर्नर थे पुर्तगीज की इंडिया में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक और गवर्नर के बारे में बताने वाली हूँ जो है नीनो दी कुरहा, जिसे कुछ लोग नीनो दी सुन्हा भी बोलते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, नीनो दी कुरहा बनते हैं 1529 में गवर्नर। कहाँ के गवर्नर? पुर्तगीज गवर्नर बनते हैं इंडिया में। तो फ्रेंड्स, इन्होंने क्या करा, अपने आने के एक साल बाद ही इंडिया में जो इनका हेडक्वार्टर था, कहाँ था, कोचिन में, उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया। कहाँ कर दिया उसको? उन्होंने शिफ्ट गोवा कर दिया। अब इनका हेडक्वार्टर बन गया गोवा। या हम ये भी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अब इनकी जो कैपिटल कोचिन से गोवा हो गई। और उस टाइम जो मुगल एम्परर थे कौन थे? हुमायूं। हुमायूं के कन्फ्लिक्ट चल रहे थे किससे? गुजरात के लीडर जो थे बहादुर शाह से। तो इन कन्फ्लिक्ट के बीच ही बहादुर शाह ने सोचा कि पुर्तगीज से मैं हेल्प ले लेता हूँ हुमायूं के अगेंस्ट में। पहले तो बहादुर शाह ने पुर्तगीज से मिलकर हुमायूं के अगेंस्ट में लड़ाई की। बाद में मुगल एम्परर हुमायूं को लगा कि गुजरात के पीछे भागने में कोई फायदा नहीं है, तो अब बाद में वो अपनी आर्मी को वापस लेकर चला गया। इस बीच क्या हुआ, जब मुगल एम्परर हुमायूं के अगेंस्ट में बहादुर शाह को जब जरूरत थी ना आर्मी की, तो बहादुर शाह ने किससे हेल्प ली? पुर्तगीज से। और जब पुर्तगीज ने उसकी हेल्प करी तो उसके बदले में बहादुर शाह ने बसीन नाम का आइलैंड दे दिया। और बहादुर शाह ने बोल दिया बसीन से आने वाला रेवेन्यू पूरा आपके अंडर होगा, मतलब पुर्तगीज के अंदर होगा। तो जैसे हुमायूं वापस लौटा, बहादुर शाह और पुर्तगीज के बीच में रिलेशन थोड़े ख़राब होने लगे, क्योंकि पुर्तगीज तो बहुत ज़्यादा लालची थे। उन्हें इससे भी सब्र नहीं मिल रहा था कि उनको एक आइलैंड मिल गया, उन्हें अब बहादुर शाह से और भी कुछ चाहिए था। अब होता क्या है, पुर्तगीज और बहादुर शाह के बीच में एक तरह से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। एक दिन पुर्तगीज ने बहादुर शाह को धोखे से मिलने के लिए बुलाया अपनी एक शिप पर। बहादुर शाह दोस्त समझ के चला गया और शिप में जैसे बहादुर शाह गया तो उसको उन लोगों ने मार दिया, मतलब पुर्तगीज ने उसको धोखे से मार दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह के थे पुर्तगीज, उन्हें बस कुछ भी करके बस ऑक्यूपाई करनी है टेरिटरी। अब फ्रेंड्स, नीनो दी कुरहा पुर्तगीज इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ाना चाह रहा था, तो उसने क्या करा कि बंगाल में भी पुर्तगीज एस्टेब्लिशमेंट बनाने की उसने कोशिश करना शुरू कर दी। बहुत सारे पुर्तगीज जो भी नेशनल्स को बंगाल में रहने की कोशिश करने लगे, मतलब उनका सेटलमेंट करने लगे। तो फ्रेंड्स, पता चला आपको नीनो दी कुरहा ने अपने हेडक्वार्टर के तौर पर हुगली के साथ कई पुर्तगाली सिटीजन्स को बसाकर बंगाल में पुर्तगीज इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की कोशिश करने लगे। तो फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं ना, प्रॉपर टेरिटोरियल एस्टेब्लिश करने की तैयारी करने लगे थे ये लोग। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक नीनो दी कुरहा यही कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फेवरेबल कंडीशंस फॉर पुर्तगीज। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट दी लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दैट। थैंक यू, बाय बाय।